नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। सरदार सरोवर बांध को लेकर राजनीति गर्म होती ही जा रही है। क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी विस्थापितों के साथ कांग्रेस का एक एक व्यक्ति साथ खड़ा है। यहाँ उन्होंने गांधी की अस्थियों को हटाने पर भी खेद जाहिर किया। सिंधिया यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि किस तरह से झूठ को सच में बदलना है यह बीजेपी की आदत में है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप डैम की हाइट बढ़ा दी है, इसमें कोई कठिनाई नहीं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सभी विस्थापित लोगों का पुनर्वास करने के बाद ही वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। मुद्दा डैम का हाइट का नहीं है, मुद्दा है कि आपने इनका पुनर्वास क्यों नहीं किया, इनको अच्छी तरह से विस्थापित क्यों नहीं किया आपने। आप तो उखाड़ के ले जा रहे हो सबको। इतना की कि आपने बापू महात्मा गांधी की अस्थियों को भी रातों रात आपने जेसीबी मशीन से उठा के उड़का दिया। आपने उन सारे 40,000 परिवारों के साथ कांग्रेस पार्टी का एक एक व्यक्ति खड़ा है, क्योंकि हम अन्याय नहीं होने देंगे। ये बात है, विकास प्रगति बांध ऊंचाई की बात नहीं, ये बात है न्याय की। विकास और प्रगति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबके साथ न्याय होना चाहिए। वैसे भी मैं भाजपा को दाद देता हूँ, क्योंकि उन लोगों को तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरीके से झूठ को सच बनाने की कोशिश वो ये करते हैं। मानव सेवा समिति गुना के तत्वावधान में स्थानीय मॉडर्न चिल्ड्रन स्कूल में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विभिन्न शासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को स्टेशनरी का वितरण किया। मानव सेवा समिति के संयोजक समाजसेवी विजय उपल ने बताया कि उन्होंने शहर भर के विभिन्न स्कूलों से लगभग 6,000 बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए चिन्हित किया था, जिन्हें आज क्षेत्रीय सांसद की उपस्थिति में पुस्तिकाएं वितरित की गईं। ये सभी पुस्तिकाएं निःशुल्क दी गई थी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के प्रारंभ करने के लिए माँ सरस्वती जी की वंदना के लिए आमंत्रित है कुमारी वर्षिका, कुमारी इफ्रा, कुमारी लकी मुस्कान, कुमारी सुभाषी, कुमारी आरती, कुमारी नेहा। शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय मानस भवन के सामने राजकुमार पुरी, श्रीमती मधु उपल, सिंधिया ने भी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी कॉपियों पर लिखा जाता है वे हमेशा के लिए हमारे दिमाग पर अंकित हो जाता है। क्षेत्रीय सांसद सिंधिया ने यहां पर मानव सेवा समिति के द्वारा किए जा रहे जनहित कार्यों की भी बुरी बुरी प्रशंसा की। बधाई देना चाहता हूं उपल जी को और उनकी पूरी टीम को। इतना अच्छा कार्यक्रम, बच्चों के लिए नोटबुक का वितरण का कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया। मैं स्वयं मानव सेवा समिति का एक प्रशंसक बन चुका हूं। जिस तरीके से हर समाज सेवा के मुद्दे को यह समिति उठाकर अंतर तक पहुंचाने की कोशिश करती है, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि प्लास्टिक बैग का भी कार्यक्रम इस समिति द्वारा आयोजित किया गया था। प्रदूषण पर एक एग्जीबिशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और आज नोटबुक का वितरण का कार्यक्रम इस समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है बचपन के समय में जब हम लोग भी क्लास में नोट्स लिखते थे, वो नोट्स केवल हमारे नहीं लेकिन हमारे पूर्व जो क्लास में बच्चे रहते थे उनके नोट्स का भी इस्तेमाल आने वाली पीढ़ी सदैव करती थी। चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है और उस अंधेरे के वातावरण में मानव सेवा समिति एक उज्जवल प्रकाश की ज्योति को लेकर उस अंधेरे को दूर करने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैं आपको बताया जा रहा है, आज
मेरे स्कूल के तो नहीं लेकिन कॉलेज के कुछ नोटबुक्स आज भी मेरे पास बचे हुए हैं, जिनको देखकर उन दिनों को भी मैं याद करता हूं। आजकल कंप्यूटरीकरण का जमाना है, सब कुछ कंप्यूटर्स पर लिखा जाता है, पर यह अवश्य है कि जो कंप्यूटर पर लिखा जाता है वो शायद डेटाबेस को डिलीट करने से मिट जाता है, लेकिन जो आप अपने हाथ से लिखोगे वो जीवन भर नहीं मिटेगा। इसलिए नोटबुक में लिखना भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण शिक्षा का अंग होता है। इस अवसर पर गुना शहर के हमारे भविष्य के बच्चों से मुलाकात भी मेरी इस मौके के आधार पर हुई है। मैं मानव सेवा समिति और श्रीमती अरोड़ा जी और श्रीमती शीला जी को अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूं, और इसी तरह समाज सेवा के कार्य में हमारी ऐसी संस्थाएं आगे बढ़ते जाएं। एनसीसी में आज से भर्ती हुई शुरू। शासकीय स्नातकोत्तर कॉलेज में आज से प्रवेश प्राप्त कर चुके सभी छात्रों की एनसीसी में नए सत्र के लिए भर्ती शुरू की गई। 36वीं बटालियन शिवपुरी के निर्देशानुसार भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। इसमें उन छात्र छात्राओं को लिया गया है जिन्होंने अभी तक अपनी फीस जमा कर दी है। ये शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना के अंदर जो एनसीसी का ही चल रही है डी कंपनी, उसकी आज भर्ती है। महाविद्यालय में जो अभी तक बच्चे प्रवेश हो ले चुके हैं और जिन्होंने फीस जमा कर दी है उन बच्चों की आज भर्ती है और नए सत्र की भर्ती है, जिसमें हमारे जो 35 बटालियन शिवपुरी के कमान अधिकारी हैं उनके निर्देशानुसार ये भर्ती होती है, जिसमें मेरे साथी आज सूबेदार मेजर साहब आए हैं और उनके दो हवलदार साहब आए हैं, और आज ये भर्ती की कार्रवाई है, इसमें हम लोग भर्ती करवा रहे हैं। भाजपा विधायक के घर सांत्वना देने पहुंचे कांग्रेसी सांसद। सिंधिया आज गुना के विधायक पन्नालाल शाक्य के निवास पर पहुंचे। बता दें कि विधायक पन्नालाल शाक्य के छोटे भाई का कुछ समय पूर्व निधन हुआ है। शोकाकुल परिवार को शोक संवेदनाएं देने के लिए सिंधिया विधायक के घर पहुंचे। जिला शासकीय हॉस्पिटल परिसर में आयोजित की गई स्तनपान शिविर की मीडिया कार्यशाला। इस कार्यशाला में बताया गया कि मां का दूध ना मिलने से बच्चों में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, जिसके चलते 45% बच्चों की मृत्यु हो जाती है। कार्यशाला के माध्यम से यह संदेश भी दिया गया कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए मां का दूध कितना जरूरी है। इस कार्यशाला में अध्यक्षता कलेक्टर राजेश जैन द्वारा की गई। आगामी समय में किस तरह से करना है कार्य, इस विषय पर आज बीजेपी ने की बैठक का आयोजन। इस कार्यक्रम में विधायक पन्नालाल शाक्य, विधायक ममता मीना, अर्चना बल्लू चौहान, नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा, पूर्व जिला अध्यक्ष हरि सिंह यादव एवं जिला अध्यक्ष राधेश्याम पारिक और बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कार्यक्रम को आयोजित करें, उसमें पार्टिसिपेट करें, अधिक से अधिक युवाओं को उसमें जोड़ें। आज आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा युवाओं को जोड़ने की, उसके लिए इन सामाजिक कार्यक्रमों की सहभागिता को हम स्वीकार करते हुए उनमें अधिक से अधिक सबके बीच में जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के हित में
जो योजनाएं किसानों के हित में क्या क्या योजनाएं चलाने वाले हैं उसके बारे में किसी प्रस्ताव आप सबके समक्ष रखती हूँ। रोटरी क्लब गुना रॉयल का पदस्थापना एवं शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। उक्त कार्यक्रम का आयोजन संधू लैंडमार्क गार्डन में हुआ, जिसमें रोटरी क्लब गुना के नए अध्यक्ष के रूप में जाने माने प्रॉपर्टी डीलर महेंद्र सिंह संधू को बनाया गया। उक्त कार्यक्रम में जिला कलेक्टर राजेश जैन भी मंचासीन रहे, साथ ही रोटरी क्लब गुना रॉयल के समस्त पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस वर्ष स्कूल में नियमित कक्षा अध्यापन के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हमारे साथी रोटेरियन प्रशांत व्यास जी के साथ हम प्रयासरत हैं ताकि हम उन्हें व्यवसाय कौशल व आजीविका हेतु भी तैयार कर सकें। माननीय जिलाधीश महोदय भी हमारे विद्यालय के संपर्क में रहे हैं व व्यक्तिगत रूप से छात्रों से मिले हैं। माननीय से विद्यालय भवन हेतु हम क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संसदीय क्षेत्र में दो दिवसीय दौरे पर आज दूसरा व अंतिम दिन रहा। आपको बता दें कि सांसद सिंधिया ने कल पहले ही दिन काफी कार्यक्रमों में शिरकत भी की, जिसमें विगत श्याम नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय के तत्वावधान में आपका सांसद आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वार्ड क्रमांक 20, 21, 23 और 24 के रहवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसान की बात हो तो ये व्यक्ति व्यापारी की बात हो तो हमारा अपने आप के लिए एक प्रतिष्ठा बनाई है, केवल एक कुशल राजनीतिक के रूप में नहीं लेकिन एक प्रतिष्ठा बनाई है। जिसके बाद आज भी सांसद सिंधिया ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जगह जगह हुआ सांसद का स्वागत। इसी क्रम में गुना के एक प्रसिद्ध व्यापारी एवं समाज सेवी अनिल जैन कैंचीबीड़ी ने सांसद सिंधिया का स्वागत सत्कार स्थानीय होटल जीके गार्डन में किया, जहां बड़ी संख्या में स्वागत करने के लिए लोग उपस्थित रहे। क्योंकि मध्य प्रदेश में सारे किसानों की हत्या हुई थी उसकी उसमें मंशों में हमारे आदरणीय इसी क्रम में कांग्रेस के पार्षद दीपेश पाटनी के नेतृत्व में विशाल जनसमूह के साथ कई जगह पर सांसद सिंधिया का स्वागत किया गया। तू पीछे खड़ा है ना? क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ली पोलिंग एजेंटों की बैठक। इस बैठक में खास बात यह देखने को मिली कि सांसद ने खुद सबकी हाजिरी लगाई। सिंधिया की यह कार्यशैली देखकर समझ आ रहा था कि आगामी चुनावों को लेकर वे कितने गंभीर हैं। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में और महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जो प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के रूप में आज हमारे समक्ष उनकी जो अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शकील सिद्दीकी के घर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। गौरतलब है कि विगत दिनों कांग्रेस अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष शकील सिद्दीकी के छोटे भाई का दुखद निधन हो गया था, जिसके चलते परिजनों को सांत्वना देने सांसद सिंधिया उनके घर पहुंचे।
परिवारजनों के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त भी की। महिला से परेशान ड्राइवर पहुंचे पुलिस की शरण में। जज्जी बस स्टैंड पर आजकल एक महिला का आतंक बना हुआ है। इस पर्याय की शिकायत लेकर सभी ड्राइवर एडिशनल एसपी सत्येंद्र तोमर के पास पहुंचे। ड्राइवरों का आरोप है एक महिला जबरन उनसे पैसे मांगती है और किसी भी ड्राइवर की जेब में हाथ डाल देती है। अगर कोई ड्राइवर उसको पैसे देने से मना करता है तो वो उसको हरिजन एक्ट लगाने की धमकी देती है। इसी बात की शिकायत लेकर सत्येंद्र तोमर से उन्होंने की मुलाकात। तारे जो कि ड्राइवरों के आए दिन परेशान करती है कि हमें आज 50 चाहिए 100 चाहिए और पीने कोई गाड़ी में बैठ जाती है, ड्राइवर साहब घूमती फिरती है इसी चक्कर। अभी दो ड्राइवरों की उन्होंने झूठी रिपोर्ट डाल दी कि मुझे 11 बजे रात में जबरदस्ती की मेरे साथ। मैं पूछना चाहता हूँ कि 11 बजे रात की क्या कर रही थी, और ड्राइवर तो बेचारे बस स्टैंड के साथ वहाँ से कहाँ जाएंगे, उसका क्या काम है बस स्टैंड पर, आप मुझे बताइए क्या वो क्या उसका गाड़ी चल रही है आए दिन सिर्फ वो पूरे गुना में छोड़ के वो वहीं आगे कहाँ की देने वाली है। पूजा नाम की एक लड़की है मेहतरानी, वो क्या आए दिन डेली परेशान करती है हम लोगों को, कभी 10 मांगती है कभी 20 मांगती है, और दिन भर उसका जज्जी में कोई काम नहीं रहता। ड्राइवरों के साथ आ जाती है, मक्कारी मलाती है, पैसे छुड़ाती है, पैसे छुड़ाती है, हरिजन एक्ट लगाने की धमकी दी, जेब से छेड़ती है, पैसे छिनाती है, नहीं देते तो पर रिपोर्ट डालने जाती है, जिस पर एडिशनल एसपी तोमर ने कार्रवाई करने की बात की। फर्जी तरीके से जमीनों का डायवर्शन करने के मामले में चाचोड़ा एसडीएम अभय सिंह फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसे दर्जनों मामले उन पर चल रहे हैं जिनकी शिकायतें काफी समय से एडीएम को मिल रही थी। इससे पहले भी एसडीएम खरारी के ऊपर उन्हीं की पत्नी ने प्रताड़ना का आरोप भी लगाया था, जिसको लेकर काफी हंगामा गुना कलेक्ट्रेट में हुआ था। एसडीएम खरारी पहले तो डायवर्शन के मामलों को निरस्त कर देते हैं, बाद में लेन देन उन्हीं जमीनों का डायवर्शन राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। एसडीएम के उक्त फर्जीवाड़े का उस समय पर्दा उठा जब एक शिकायती आवेदन में अपर कलेक्टर नियाज अहमद ने जांच शुरू की, लेकिन जब एडीएम ने दूसरे मामलों की परतें खोली तो एसडीएम खरारी की तमाम करतूतें सामने आ गईं। पूनम साहू, अंगूरी बाई, सुशीला साहू और थॉमस पोलिकेन, ये तमाम नाम वह हैं जिन्हें डायवर्सन प्रकरणों में चाचोड़ा एसडीएम ने निरस्त कर दिया था। हालांकि बाद में इनके राज्य शासन के रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में दर्ज कर दिए गए। मसलन पहले डायवर्सन के प्रकरणों को निरस्त करना और बाद में RCMS पोर्टल पर आदेश चस्पा करने के पूरे फर्जीवाड़े को एसडीएम खरारी ने अंजाम दिया। इस पूरे फर्जीवाड़े की जांच एडीएम नियाज अहमद खान ने की, जिसमें चाचोड़ा एसडीएम अब पूरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। उधर एडीएम ने कलेक्टर को पूरे मामले की जांच सौंप दी है और खरारी के खिलाफ आगे की कार्यवाही राज्य सरकार को करना है। एसडीएम चाचोड़ा ने जो डायवर्सन किए थे, चार केसेस उनके थे, इन चारों केसेस के अंदर उन्होंने जो हमारा रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पर रेवेन्यू कोर्ट के सारे ऑर्डर को अपलोड करना पड़ता है, तो उन्होंने दो तरह के आदेश पास किए थे चार केसेस में, जो एक तो स्वीकृत करके अपलोड कर दिया था, दूसरा स्वीकृत करके फाइन लगा लिया था, जो कि मामला न्यायालय प्रक्रिया में है। इस तरफ एक ही प्रकरण दो आदेश नहीं पारित हो सकते हैं, तो एक तरह से फोर्जरी करके सारी कार्रवाई की गई थी, जिसमें सारे रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए थे और विस्तार से रिपोर्ट इसमें दे दिया गया है कि एक बड़ा न्यायालय प्रक्रिया में एक बड़ा गोलमाल किया गया है, और मेरे द्वारा रिपोर्ट कलेक्टर सबमिट कर दिए गए, जहाँ पर अभय तरारी पुलिस टीम दोषी पाए गए। गौरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत आज जिला न्यायालय परिसर में गौरक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभाषक संघ के अभिभाषकों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी ने संकल्प भी लिया। इस अवसर पर गौरक्षा समिति के अध्यक्ष सचिन अवस्थी, विकास तिवारी एवं अभिभाषक संघ के अध्यक्ष वरुण सूद, मुकेश अवस्थी, शैलेंद्र रघुवंशी आदि उपस्थित रहे। मैडम से लगवा लो, तीनों मैडम
डीजीआर में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।